नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, भूलकर भी पूजा घर में इस दिशा में न रखे दीपक, धन हानि के साथ तरक्की में आएगी रुकावट। प्यारे दोस्तों, वास्तुशास्त्र में आम दिनचर्या के कार्यों में बदलाव के साथ साथ व्यक्ति के स्वभाव से लेकर बोलने, बैठने और सोने तक के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा वास्तु में पूजा घर को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवता की पूजा करते समय हर एक चीज़ को सही जगह पर रखना बेहद ही जरूरी माना गया है, क्योंकि पूजा की चीज़ जैसे कलश, अगरबत्ती, दीपक या अन्य सामग्री सही दिशा में न रखी जाए तो व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है और पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता। इसी तरह पूजा करते समय दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए यह जानना भी हमारे लिए बेहद ही जरूरी माना गया है, क्योंकि गलत दिशा में लौ होने पर धन हानि के साथ घर की सुख शांति चली जाती है। जानिए किस दिशा में दीपक की लौ होना सही और किस दिशा में नहीं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप हमसे किस प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं, ताकि हम उसी प्रकार से आपकी मन की जो भी अभिलाषा है उसको पूर्ण कर सकें। इस दिशा में ना रखें दीपक। दक्षिण दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में दीपक की लौ नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक की लौ होने से धन हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इसलिए भूलकर भी इस दिशा की ओर दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में दीपक की लौ होना है बेस्ट। पूर्व दिशा में दीपक। मान्यता है कि दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर होना शुभ होता है। इस दिशा में दीपक जलाने से जातक लंबी उम्र पाता है। पश्चिम दिशा। वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की लौ इस ओर रखने से हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है कि अगर आपको किसी भी तरह का दुख है तो इस दिशा की ओर लौ करके दीपक जलाएं, आपको तुरंत राहत मिलेगी। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में भी दीपक की लौ होना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में दीपक की लौ होने पर धन लाभ होता है। दीपक जलाते समय बोलें ये मंत्र। वेद शास्त्रों के अनुसार दीपक को जलाते समय इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। इसे व्यक्ति के सभी कामों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही धन लाभ भी प्राप्त होता है। दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योति जनार्दन है। दीपो हरितिमे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याण मार्ग्यम सुखम संपदा शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम अगर मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।